कि सादेव की सर्व जगल निवासा, जब से देव की कि सादेव की सर्व जगल करे तो मुक्तम तेज स्वरूपम। शरीर तो सूख करके पतला हो गया है, लेकिन शरीर में तेज हजारों सूर्य के समान शरीर दीप्यमान है। जिस दिन से नारायण ने गर्भ में वास किया, देवकी देखो ब्रह्म कभी गर्भ आभास होता है। जैसे रामचरितमानस में चार दिन ते हरि गर्भ भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, और तुरंत आगे लिख दिया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान का जो अंश है उसके तेज से देवकी का शरीर करो सूर्य के समान चमक रहा है। आज वो समय आ गया, भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है और वृक्ष लगन है, वृक्ष लगन है। हे राजन, उस समय आकाश मंडल में काली घटा घिरी है, पानी झिमिक झिमिक करके रुक रुक करके पानी बरस रहा है। हे राजन, कि भादव मास रयन अधियारी, सोचा कि भगवान का अवतार चंद्रवंश में हो रहा है तो क्यों ना रोहिणी पर जाकर के मैं निवास करूं। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर विद्यमान और वसुदेव और देवकी कारागार में बैठे हैं। एक अग्नि का दौरा कारागार में प्रवेश किया, भगवान कृष्ण भगवान की अग्नि के गोले को देख करके थोड़ा झिझके, तब तक वो अग्नि का गोला चतुर्भुज रूप में गया कि हेम बरन पीता क्रयंबुज गदा और भरे चतुर्भुज रूप। बोलो चतुर्भुजी भगवान की जय। वसुदेव देखा और अपने सर को झुका लिया। अच्छा भाई देखो इतने लोग बैठे हो और हम आपसे कहे कि भगवान का भजन किया करो, तो आप कहोगे महाराज मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं लेकिन समय ही नहीं मिलता कि भगवान को भजे, इतने बंधन में पड़ा हूं कि समय नहीं मिलता। लेकिन विचार करो क्या वसुदेव से भी ज्यादा कोई बंधन में
में पड़े हो, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में श्रृंखला, कठोर कारावास, लेकिन भगवान का स्मरण कर भगवान ने एक बार हमारी ओर देखो तो वसुदेव जी ने कहा देखने से क्या काले, एक बार देखो और हमें जितना जल्दी हो सके मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। तो कहा पहुंचा तो मैं देता, लेकिन जब पहुंचाने वाला सक्षम हो तभी तो, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में श्रृंखला, आपको कैसे पहुंचा दो। भगवान ने कहा एक बार देखो, तो कहा देखने से क्या होगा, तो भगवान ने कहा सुनो, जो हमको एक बार देखता है उसके भाव के बंधन खुल, ये तो मात्र कंस का बंधन है, जो हमारी ओर देखता है उसके भाव बंधन खुल जाते हैं। से दृष्टिपात वसुदेव जी ने किया, हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, कमर की श्रृंखला सब टूट करके गिर गई। देखो भगवान कब आए, काली रात में, और जीवन में आपके जब कालिमा इतनी हो जाए, काली रात इतनी हो जाए कि सूझन आपन हाथ पसारा, अंधियाले में अपना हाथ ऐसे करो और आपका हाथ भी जब आपको दिखाई न दे, यानी जब आपका हाथ भी आपका साथ छोड़ देता है, तब परमात्मा आपको अपना दे। घोर काली रात में भगवान आए, वासुदेव जी ने विचार किया कि अब ब्रह्म को लेकर के चले तो कैसे चले, सूप को उठाया, सूप, देखो सूप और चलनी ये माताओं के दो यंत्र है। सूप में अनाज रखकर साफ करोगे, जितना कूड़ा कचरा होगा बाहर कर देगा, सार सार को कही रहा है, थोथा दिए उड़ाए, ये सूप का काम है। और इन्हीं माताओं के पास एक चलनी होता है, उसमें डालो जरा इकट्ठा करेगा, सावधान। समाज में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक तो लोग हैं जो अच्छे अच्छे मोतियों को चुन करके अपने पास रखते हैं, और एक होते हैं कि समाज का कूड़ा कचरा ही इकट्ठा करते हैं, कूड़ा कचरा। लेकिन भगवान ने सूप को ग्रहण किया, क्यों, क्योंकि सूप सार ग्राही है। तो सावधान, भगवान केवल सार ग्राही को ही प्राप्त होते हैं। भगवान किसको प्राप्त होते हैं, जो सार ग्राही है। अच्छा, वसुदेव जी ने सूप में भगवान को लिटाया और शेष जी ने फलों की छाया कर दिया, क्यों, जल बरस रहा है तो जीवाचार्य शेष नाग जी ने सोचा कि अगर हमारे भाई के ऊपर जल की बूंदे पड़ी कहीं ठंड न लग जाए। अरे रामावतार में मैं छोटा था तब भी भैया की सेवा किया, और कृष्णावतार में मैं बड़ा हूं तो भी भैया की सेवा करूंगा। अपने फन को फैला दिया, आकाश मंडल में चम 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 बादल चमक रहा है, और वसुदेव जी ने देखा ताले जंगले खुले, पहरेदार सब सो रहे हैं, और सूप में बालक को लिटा करके सर पर रखा कि लय वसुदेव चले जब ही तो विचार कियो है नंद घरे लो। आज नंद बाबा के यहां लेकर जा रहे हैं कि लय वसुदेव चले जब ही तो विचार कियो है नंद घरे लो, और जाय कलिंदी बेठाल भयो जमुना जी बढ़ी है कंठ गले लो। जमुना जी आसक्त
करने लगी। क्यों? क्योंकि अपने प्रियतम से मिले बहुत दिन हो गए। कैसे? जमुना जी ने सोचा कि रामावतार में मैं अपने प्रियतम से नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि जमुना जी सूर्य की पुत्री है, सूर्य की बेटी जमुना जी है और सूर्य कुल में भगवान का अवतार हो गया, तो दोनों का रिश्ता बहन भाई में परिवर्तित हो गया। तो जो सुख मिलना चाहिए वो रामा अवतार में नहीं मिला। अब वो सुख आज द्वापर में अगर प्रियतम का अवतार हो गया है तो आज मैं सारा अगाध प्रेम आज कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर दूंगी। तो जमुनी भगवान ने देखा कि वसुदेव जी सूत ऊपर उठा लिए, तो भगवान ने अपने चरण को नीचे किया कि लय वसुदेव चले जब ही तो विचार कियो है नंद घरे लो और जाय कलिंदी पे ठार भयो जमुना जी बढ़ी है कंठ गले लो। भगवान ने चरण नीचे किया कि हूं नंदन के जमुना जी बही तरवा के तरे लो। जो जमुना जी थी वो तारू के नीचे से बह रहे थे। अब नंद बाबा के महल में पहुंचे, देखो भगवान की माया। मथुरा में ब्रह्म ने अवतार लिया और नंद बाबा के घर में माया ने अवतार लिया। माया ने वसुदेव जी गए अपने बालक को चूम करके हृदय से लगा करके माता यशोदा के बगल में लिटाया और कन्या को सूप में रख करके चलने लगे। ऐसे भगवान जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। क्यों? भगवान ने कहा वसुदेव को तो देखो, जब हमको अपने सर पर रखा, हमको अपने मस्तिष्क में रखा तो इनके भाव बंधन खुल गए। कथा का सार तत्व यही है कि जब आप भगवान को अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, अपनी अंतरात्मा में जब आप भगवान को रखते हो तो आपके बंधन खुल जाते हैं। तो भगवान इसलिए रोए कि जब वसुदेव जी हमको उठा करके सर पर रखा तो इनके बंधन खुल गए, लेकिन आज हमारा परित्याग कर दिया और माया को अपने सर पर रखने जा रहे वसुदेव। कथा का सार यही है कि वसुदेव जी ने जब भगवान को सर पर रखा तो बंधन खुल गए और जब माया को अपने सर पर रखा से गए थे वही पहुंच गए और पूरा हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी ताले जगने लग गए। यानी जीव जब भगवान को अपने मस्तिष्क में रखता है तो भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और जिस दिन माया को अपने सर में रखता है, अपने दिमाग में माया को बैठाने लगता है, उसी दिनों से वो भाव के बंधन में जकड़ जाता है। अच्छा, भगवान के रोने का एक कारण और, बाल मानो रो रो करके जगा रहे हैं कि मैया जागो। और भगवान तो संसार को जगाने के लिए ही आए। कैसे? रो रो करके भगवान ने माता यशोदा को जगाया, बांसुरी को बजा करके गोपिकाओं को जगाया और गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन को जगाया। तो भगवान तो संसार को जगाने के लिए ही आते हैं। वसुदेव जी कन्या लेकर पहुंचे,
और जैसे कारागार में देवकी के गोद में दिया, पुनः हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी, ताले जंगले लग गए, पहरेदार घूमने लगे। और जैसे कन्या रोई मथुरा नरेश कंस को समाचार मिला कि आठवें संतान ने जन्म ले लिया, दावा उसका सर दरवाजे से टकरा गया, सर फट गया, रक्त रंजित शरीर दौड़ करके देवकी के गोद से कन्या को ले लिया। नंद गोप ग्रहे जाता, नंद गोप ग्रहे जाता, यशोदा गर्भ संभव। जो माता यशोदा के गर्भ से जो माया वैशारदी की उत्पत्ति हुई, उस माया को हाथ में ले लिया जगत जननी को, और तन से मुस्कुराया और जैसे घुमाया और पटकना चाहा, कन्या हाथ से उड़ गई और कहा, मूर्ख तू हमारा पद करना चाहता है, अरे तुम्हारा पद करने वाला गोकुल में पैदा हो गया। और जाकर के विंध्याचल में वो आदिशक्ति स्थापित हो गई। वो आदिशक्ति परात्मा भगवती जगदम्बा की है। और गोकुल में हल्ला हो गया कि आज नंद बाबा के चौथे पन में पुत्र ने जन्म लिया। दो बार भगवान